हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो आज के से न्यू चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम जो है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कार्बन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तो कार्बन इसको इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों कहा गया? देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, 119 एलिमेंट्स आर नोन टू ह्यूमन बींग्स टिल टुडे। हमें 119 एलिमेंट्स अभी पता है, तो उसमें कार्बन को इम्पॉर्टेंट कहा गया। तो क्यों कहा गया है? तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कार्बन का इम्पॉर्टेंस जो है आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? स्पेशली कार्बन। तो कार्बन ऑकरेंस कहाँ मिलता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देन एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बच्चों? इट इज द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, इसके कंपाउंड, इसे हाइड्रोकार्बन, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। फॉसिल फ्यूल जो है, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स है। उसके बाद कार्बन के जो कंपाउंड्स है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो ये दो कंपाउंड्स के बारे में जो है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑकरेंस का और यूजेस क्या है, इसके बारे में डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें आपको सिर्फ कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और जैसे जैसे वीडियो आएंगे उसके बाद, तो उस वीडियो में हम चैप्टर को डिटेल में, एक एक पार्ट जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली टू नो अबाउट द कार्बन, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं। कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट्स, व्हाट इज एन एलिमेंट? तो एलिमेंट क्या है बच्चों? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, तो दीज आर द प्योर सब्सटेंस, एंड दीज सब्सटेंसेस दे आर नॉट कन्वर्ट इन टू द एनी अदर सब्सटेंसेज बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। तो इसके ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन करके देखिए, उस एलिमेंट का दूसरे कोई भी पदार्थ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए वे प्योर सब्सटेंसेस है। ऑल एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स दे आर अलाइक। तो एलिमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट जो है, एटम्स से बने हुए होते हैं, और एलिमेंट्स के सभी एटम्स जो है वो एक जैसे होते हैं। ऑल एटम्स आर अलाइक। तो आयन एक एलिमेंट है, तो सभी एटम्स जो है आयन्स के होंगे, दूसरा कोई एटम नहीं होगा। और उस आयन के एटम को हम दूसरे किसी एटम में या दूसरे किसी पदार्थ में ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते। दिस इज द एलिमेंट्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? तो एलिमेंट्स के तीन ग्रुप किए गए बच्चों। तो एलिमेंट्स आर डिवाइड्स इनटू थ्री ग्रुप्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, तीन ग्रुप है। मेटल की संख्या बहुत ज़्यादा है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मैंगनीज, कॉपर, दीज आर द मेटल्स। देन मेटलाइट्स जो है, मेटलाइट इनकी संख्या कम है, जिसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, मोस्टली नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल की संख्या कम है, मेटल्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। और नॉन मेटल जो है वो मोस्टली गैसियस है, ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, फ्लूरीन और कार्बन, दीज आर द नॉन मेटल्स। एंड मेटलाइट्स, तो मेटलाइट जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी मेटलाइट्स होते हैं बच्चों। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको अगर जलाएंगे हम, तो कौन सा पदार्थ जो है बाकी रहता है? तो उसमें कार्बन जो है, ये सब्सटेंस जो है वो शेष रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाने के बाद। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन? व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन? कार्बन कौन से प्रकार का एलिमेंट है? तो कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। व्हाई कार्बन इज नॉन मेटल, इसके बारे में हम आगे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो है एक एक्टिविटी जो हमें करनी है, देखो, यू हैव टू टेक द मिल्क इन अ बाउल एंड कीप द बाउल ऑन द बर्नर और ऑन अ गैस एंड अलाउ टू हीट दिम। तो क्या करना है, इस मिल्क को जो है उसे हमें हीट करना है, और कब तक हीट करना है? जब तक पूरा मिल्क जो है इसका इवेपोरेशन नहीं हो जाता, और इवेपोरेशन होने के बाद बाउल के अंदर क्या सब्सटेंस रहता है इसको आपको ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली आपको क्या करना है, अलग अलग पदार्थ लेने हैं, उसको हीट करने, कौन कौन से लेने हैं, शुगर लेने हैं, सीड,
एनिमल फीडर जो है वो लेने हैं, देन पल्सेस लेने हैं, तो ये सभी पदार्थ अगर आप लेंगे उसको एक एक करके आपको क्या करना है, उसको बर्न करना है। तो इन सभी पदार्थों को बर्न करने के बाद एक ही पदार्थ जो है वो कॉमन वहाँ पे शेष रहता है। द सब्सटेंस रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर द कम्बशन ऑफ ऑल दिस सब्सटेंसेज, दैट इज मिल्क, शुगर, देन वूल, ड्राई ल्यूज, देन द हेयर्स, फीदर्स, सीड्स, देन पल्सेस, दैट सब्सटेंस इज अ ब्लैक इन कलर एंड दैट इज द कार्बन। तो कौन सा पदार्थ शेष रहता है बच्चों? कार्बन शेष रहता है। तो इससे हमें पता चलता है, तो कार्बन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। तो कार्बन जो है बहुत सारे पदार्थ जो है इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब देखिए, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, आइटम्स और आर्टिकल्स दैट यू यूज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो जब आप दिन भर कितने पदार्थ यूज करते हैं उन पदार्थों की लिस्ट बनाइए, और इस लिस्ट को इन तीन ग्रुप में आपको डिवाइड करना है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, देन द ग्लास और अर्थन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप फूड स्टफ भी हो सकते हैं, आपके वुलन क्लोथ्स है, क्लोथ्स है जो है, बाकी सभी पदार्थ जो इनकी लिस्ट बनाए। और इफ यू ऑब्जर्व ऑल दीज सब्सटेंसेस, दे हैव द वन एलिमेंट इन कॉमन, दैट इज द कार्बन। That is why the carbon is a most abundantly available in nature. तो कार्बन जो एलिमेंट है हमारे नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, एंड इन बोथ फॉर्म, फ्री फॉर्म एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल CO2 सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का कंपाउंड है। इस तरह कंपाउंड फॉर्म में भी मिलता है, फ्री फॉर्म में भी हमें कार्बन मिलता है। यू हैव टू स्टडी इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें कार्बन के सभी प्रॉपर्टीज जो इसके बारे में अभी पढ़ना है। अब देखिए, कार्बन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो सिंबॉल क्या है कार्बन का? तो सिंबॉल जो है कार्बन का ये है कैपिटल सी, जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। देन यू कैन सी द एटोमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटोमिक नंबर जो है वो क्या है? 6 है। कार्बन का एटोमिक नंबर 6 है, यानी कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन है। और इसका मास नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मास नंबर इज 12। तो इसका अर्थ क्या है? इट कंटेन्स द 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4। तो इसका अर्थ क्या है? इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड सेकंड ऑर्बिट्स कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 and 4। द सेकंड, दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। एंड कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, कार्बन नॉन मेटेलिक एलिमेंट, पता हो गया बच्चों? इसका सिंबल सी है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है, मास नंबर 12 है। तो इसीलिए कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी है, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो इसके पहले हमने पढ़ा है कि द कार्बन इज मोस्ट अबाउंडेंटली फाउंड एलिमेंट्स इन द नेचर, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो है नेचर में पाया जाता है। एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर मेनी मोर, कार्बन के कंपाउंड जो है ये भी सबसे ज्यादा है। व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड्स? व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होते हैं? हाउ एंड हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म? तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। जब दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए, CO2 एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द कंपाउंड्स, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है केमिकली कंबाइन है और इनका प्रोपोर्शन फिक्स है। सोडियम ऑक्साइड Na2O, आ गया समझ में? कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन CH4 मीथेन, दीज आर द कंपाउंड्स। ऑफ इस कंपाउंड्स में एटम की संख्या फिक्स है, एलिमेंट्स जो है फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। एंड हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म? कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? देयर ऑकर्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कंपाउंड्स तैयार होते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, दो या ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू आइदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग और गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब कंपाउंड्स तैयार होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें टेक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, या शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम बाकी जो है डिटेल में पढ़ेंगे. तो इस तरह से कंपाउंड्स तैयार होते हैं बच्चों. तो कंपाउंड्स आर स्पेशली नेचर में जो है कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं. द कंपाउंड्स ऑकर इन द नेचर आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फर्क है, अच्छी तरह से समझ लीजिए. बहुत बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड्स दोज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स एंड एनिमल दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो मिनरल से जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और प्लांट और एनिमल ओरिजिन कंपाउंड जो है प्लांट और एनिमल से डायरेक्टली और इनडायरेक्ट कंपाउंड मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. अब देखिए फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन इज अ प्लांट ओरिजिन देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन शुगर इज ऑल्सो द प्लांट ओरिजिन देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. मिल्क, एग्स, दीज आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे. सॉल्ट, द सॉल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, देयर फोर दीज सॉल्ट्स आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम बॉक्साइड कहते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं, देयर फोर दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आ गया समझ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. तो पहले जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है प्लांट्स से मिलते थे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनरल्स से मिलते थे. बट देयर वॉज वन साइंटिस्ट द नेम जर्मन केमिस्ट ओलर, एंड दिस जर्मन केमिस्ट ओलर ही परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट, एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट्स ही सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने तैयार करने की जो है मेथड जो है वो फाइंड की. पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया गया. देखिए NH4CNO दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम साइनेट. तो अमोनियम साइनेट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसे हीट करके और भी कुछ प्रोसेसेस से इन्होंने जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया है. दैट नेम इज यूरिया, एंड दिस यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. आगे समझ में. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो उसके बाद पहले तो नहीं था, पहले क्या पता था प्लांट और एनिमल ओरिजिन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिनरल्स से कंपाउंड मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट ओलर से, ओलर ने जब पहला कंपाउंड तैयार किया यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तब से जाके द सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किए गए. एंड व्हाइल स्टडिंग ऑल दिस कंपाउंड्स one thing is common in all the organic compounds, those were synthesized from inorganic compounds and those obtained from plant and animals, that is all of them they contains carbon as a important elements. To sabhi ke andar carbon tha, jo organic inorganic compounds se taiyar kiye gaye the wo bhi plant aur animals se taiyar hue the wo bhi, aur sab ke andar kya tha, carbon jo hai important elements tha. Therefore the ऑर्गेनिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. देयरफॉर ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कार्बन कंपाउंड. सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन के कंपाउंड होते हैं.
तो बच्चों आज का जो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन जो है कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।